डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं मुख्तियार अब्बासी हूँ। अहम तरीन खबरें हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और कुछ वीडियोस क्लिप्स हैं, कुछ तस्वीर हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक तो ये जो दो तीन से दिन से मामला चल रहा था, डॉक्टर शहबाज गिल की बीवी, डॉक्टर शहबाज गिल के जो ड्राइवर है उसकी बीवी का जो गिरफ्तारी का मामला हुआ था, उसकी वीडियोज़ जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये चीफ ऑफ स्टाफ जो चेयरमैन साहब का है, इमरान साहब का, उसका जो ड्राइवर है उनकी बीवी शाम अडयाला जेल से उनके रिहाई मिल गई, ये वीडियोस हैं आप ये देख रहे हैं। और डॉक्टर शहबाज गिल के ड्राइवर की अलिया से जेल की रिहाई पर उनके इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की सदर कंवल शहजब साहिबारा जो है वफद समेत मौजूद थी। वफद में तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की नायब सदर साइमा खालद, आमना बदर सेक्रेटरी इतलात वगैरह, और जनरल पलोशा अब्बासी, शहला यूना और सायरा, ये सारी शामिल थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन के वफद ने ड्राइवर इजहार की अलिया की भरपूर खैर उनको खैर मकदमा किया, उनकी बहादुरी और जुलत को सलाम पेश किया। वफद ने उनकी शेर ख्वार बच्ची से अलहदगी की शदीद मजम्मत की। उसके अलावा तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन का वफद ड्राइवर इजहार की अलिया की रहायशगाह पर भी जो है वो पहुँचा और उनसे भरपूर यमकैती का इजहार किया। तो एक तो ये खबर थी, और जो दूसरी खबर है वो अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो चल रही है, वो है लाहौर के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के तारीखी अखी आज़ादी की जलसे की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो गई हैं। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर का जलसे के सिक्योरिटी के हवाले से कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा है, और ये आप वीडियो देख रहे हैं। मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब और जलसा इंतजामिया कमेटी के जिम्मेदार भी मौजूद हैं। डीसीओ एसी लाहौर की जानब से जलसे की शरका की मावनत के लिए हवाले से किए गए इंतजाम पर जो है वो ब्रीफिंग है। ये कुछ वीडियोस तस्वीर हैं जो हमने आपके साथ शेयर की। तो अभी ये जलसा चल रहा है, बहुत बड़ा जलसा है, और देखते हैं कि इमरान खान जो है वो क्या ऐलानात करते हैं। और सुनने में आया है कि जो आइंदा के लिए जो स्ट्रेटजी है इमरान खान वो लायमल जो है वो बताएंगे। बहरहाल सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब है, उधर बनीगाला की सूरत हाल हो या इस्लामाबाद, जब कलश जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये जो सियासी बहरान है, रियासती बहरान है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो देखते हैं कि कहाँ तक ये पहुँचेगा। आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें और कमेंट्स में हमारी रहनुमाई करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़, मेहरबानी।